नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है होंडा यूनिकॉर्न BS4। इस गाड़ी में गियर का प्रॉब्लम है, इसका गियर सही से गिर नहीं रहा है। आज हम उसी को सही करेंगे और आपको सही करना सिखाएंगे। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो पहले हम इसका प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं, तो इसके लिए हम चलेंगे गियर लीवर के पास। गियर लीवर के पास चल के आपको दिखाते हैं कैसे गियर गिरने में प्रॉब्लम दे रही है गाड़ी। तो देख सकते हैं हम गियर लीवर के पास आ गए हैं। अब पहले क्या करेंगे, हम पहला गियर डालेंगे, आगे तब दबाएंगे। तो देख सकते पहला गियर डाल दिए, पहला गियर गिर गया, गियर गिर गया लेकिन लीवर वहीं पर रुक गया, रिटर्न नहीं आया, हाथ से इसको रिटर्न लाना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, सेकेंड गियर डालेंगे ऊपर की तरफ, सेकेंड गियर डाल गया लेकिन लीवर वहीं रुक गया, नीचे नहीं आया, उसको हाथ से रिटर्न आना करना पड़ रहा है। मतलब गियर बराबर गिरा है लेकिन लीवर रिटर्न ना आने की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है गाड़ी। पहला गियर डाले, लीवर वहीं पर रुक गया, लेकिन अगर सेकेंड गियर डाले वापस, लीवर वहीं पर रुक गया, रिटर्न अपनी जगह पर गियर लीवर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गियर बदलने में दिक्कत हो रहा है। अगर हम पैर से ऊपर नीचे करके गियर डालेंगे गियर चारों बराबर गिर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है क्लच खोलेंगे, क्लच कवर यहाँ पे देख सकते हैं, क्लच कवर खोलेंगे, उसके बाद क्लच खोलेंगे और आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे। तो चलो फटाफट क्लच को खोलते हैं। देख सकते हैं हमने क्लच कवर को खोल लिया है। अब हम क्लच प्लेट निकालेंगे और क्लच की हाउजिंग निकालेंगे। क्लच खोलने से पहले हम क्या करेंगे, इसका गियर लीवर खोल लेंगे और गियर लीवर को बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमने गियर लीवर खोल लिया और गियर लीवर को बाहर निकाल लिया है, और इधर हमने पूरा क्लच को कंप्लीट क्लच को खोल लिया है। और अब हम इसका गियर का जो शाफ्ट है, गियर शाफ्ट को निकालेंगे। तो देख सकते हैं हमने गियर शाफ्ट को बाहर निकाल लिया है और गियर शाफ्ट का स्प्रिंग जो है टूट चुका है। तो स्प्रिंग टूटा हुआ यहाँ पे इंजन में रुका है, देख सकते हैं गियर शाफ्ट का स्प्रिंग है कुछ इस तरह का, ये टूटा हुआ स्प्रिंग है। और गियर शाफ्ट के अंदर एक वाइसर रहता है जो यहाँ पे है, ये वाइसर लगाते समय ये वाइसर जरूर लगाना है। आधा टूटा हुआ स्प्रिंग जो है गियर लीवर के अंदर है, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग का काम क्या है, जैसे हम गियर को डालते हैं तो गियर शाफ्ट को रिटर्न लाने के लिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है। गियर शाफ्ट के अंदर से स्प्रिंग को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक लॉक है, हम लॉक को निकालेंगे। लॉक को निकालने के लिए हम लॉक पकड़ की मदद से निकालेंगे कुछ इस तरह से, कितनी आसानी से देखेंगे हम निकाल देंगे लॉक को। ये देखो कितनी आसानी से लॉक निकल गया, ये लॉक बाहर आ गया। और अब हम स्प्रिंग को निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं हमारे हाथ में न्यू स्प्रिंग है, इसी को हम लगाएंगे। स्प्रिंग को हमें कुछ इस तरह से लगाना है, इस शाफ्ट के अंदर यहाँ पे इस तरह सेट करना है, उसके बाद हमें पकड़ की मदद से इसे लगाना है। पकड़ से हमें यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और खींच करके इसको उस तरफ पे ले जाएंगे इस तरह से। ये देखो कितनी आसानी से सेट हो गया, इसको अंदर की तरफ स्प्रिंग को दबा देंगे, स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबा देंगे। देख सकते हैं स्प्रिंग अच्छे से सेट हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छे से स्प्रिंग सेट हुआ है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर से इसका लॉक, लॉक को हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरह से, लॉक को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद लॉक पकड़ की मदद से इसे इस तरह से लगाएंगे, इसको एकदम लास्ट में लेकर जाएंगे और उसके खांचे में ले जाके छोड़ देंगे। ये लॉक बैठ गया, देख सकते हैं कितनी आसानी से बैठा हुआ है। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर से उसका वाशर, वाशर को हमें कुछ इस तरह से लगाना है। देख सकते हैं हमने वाशर को सेट कर दिया है। अब गियर शाफ्ट को इंजन के अंदर सेट करेंगे, इंजन के अंदर यहाँ पे इस तरह से लगाना है और अंदर की तरफ दबा देना है। तो देख सकते हैं स्प्रिंग के बीच में एक छोटा सा रॉड आएगा, उसको एकदम सेंटर में रख के अंदर की तरफ दबा देना है। तो इसको इस तरह सेंटर में रखेंगे और अंदर की तरफ दबा देंगे, ये देखो सेट हो गया। और ये यहाँ देखो ये रॉड है, ये स्प्रिंग के बीच में आना चाहिए। अब हमने गियर शाफ्ट को फिट कर लिया है, अब इसका हम क्लच फिट करके इसको कम्प्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने क्लच फिट करके कंप्लीट कर लिया। अब इसका क्लच कवर लगाएंगे और गियर लीवर लगाएंगे, उसके बाद चेक करके आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं क्लच फिट करके हमने कंप्लीट कर लिया है, तो गियर लीवर को भी हमने फिट कर लिया है। एक बार अब चेक करते हैं, नीचे दबाएंगे गियर लग गया, देखो रिटर्न आ गया। ऊपर दबाएंगे सेकेंड गियर लग गया, वापस छोड़ेंगे रिटर्न चला गया। तो आपने देखा जैसे हम गियर को डाल रहे हैं गियर तो गिर रहा है लेकिन गियर लीवर जो है वापस रिटर्न वही जगह पे आ जा रहा है। ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे गियर लीवर जो है रिटर्न वहीं पे आ जा रहा है। पहले क्या होता था, ऐसे दबा के जब छोड़ते थे फर्स्ट गियर डाले तो नीचे रह जाता था, सेकेंड डाले तो लीवर ऊपर रह जाता था, मतलब वो जगह पे रिटर्न नहीं आता था। तो स्प्रिंग टूटने की वजह से ऐसा हो रहा था, तो हमने स्प्रिंग को नया डाल दिया, तो प्रॉब्लम हमारी गाड़ी का सॉल्व हो गया है। अब जो हमारी गाड़ी का गियर नहीं गिर रहा था वो बराबर गियर गिरेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वीडियो देखकर उसे बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।